नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा? जिस तरीके से कई राज्यों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग की है, उस पर अब फैसला केंद्र के पाले में है। यानी केंद्र को यह तय करना है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना। तो पीएम मोदी को यह अंतिम फैसला करना है। लॉकडाउन जारी रखने को लेकर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लॉकडाउन बढ़ाने से कोरोना पर ब्रेक लगेगा, इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और बात करेंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्या 14 अप्रैल के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन? ये वो सवाल है जो पूरे देश के मन में उठ रहा है। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इन हालात में कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की है। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत कई राज्यों ने केंद्र से लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है। लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं, इसका फैसला खुद पीएम मोदी लेंगे। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने भी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खत्म करने को लेकर संदेह जताया था। ये अब संभावना है कि 14 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन खुल पाएगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये संवेदनशीलता हमारे प्रदेश की बढ़ गई और एक भी केस अगर हमारे प्रदेश में रह जाता है तो लॉकडाउन खोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी भी व्यवस्था लॉकडाउन के संदर्भ में बेनिफिट्स मिले हैं और केसेस को कंट्रोल किया गया है, यदि एक भी केस कोरोना का रह जाता है पूरे प्रदेश में तो लॉकडाउन खोलने के बाद पुनः वही स्थिति आ जाएगी। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी लॉकडाउन बढ़ाए जाने के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन कोरोना के खिलाफ जंग में जनता के हित में है। देश में अभी तक कोरोना स्टेज 3 में तो नहीं पहुंचा है। पीएम मोदी ने देश में 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी। सरकार की तरफ से लॉकडाउन की घोषणा का मकसद कोरोना वायरस को सामुदायिक तौर पर फैलने से रोकना था, लेकिन देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात खराब होने से रोकने के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। लॉकडाउन बढ़ेगा, क्या होगा, इस तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़े हुए डॉक्टर कपिल अग्रवाल सर्जन है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसएम अशरफ लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान बीजेपी नेता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुन्ना सिंह चौहान जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। राज्यों ने अपनी तरफ से अपील की है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन को आगे बढ़ाए, अब पाले में गेंद है केंद्र के, कब तक आप फैसला लेंगे, क्या फैसला हो सकता है? नहीं देखिए, यदि मैं उत्तराखंड की बात करूं, चूंकि देहरादून में बैठा हूं जी, तो बहुत इफेक्टिवली उत्तराखंड ने नियंत्रित किया था। ऑलमोस्ट हम जीरो केस की तरफ जा रहे थे। टोटल 6 केसेस हुए थे जिसमें से 4 लोग ठीक हो गए थे, लेकिन जब से तबलीगी जमात वाला एपिसोड हुआ उससे बहुत तो जबरदस्त भयावह तबलीगी जमात ने इन आंकड़ों को बढ़ा दिया है। और इस बात को कहने में भी नहीं, जबरदस्त बढ़ा दिया और बढ़ा ही नहीं दिया है जी। जो बहुत प्रधानमंत्री जी और तमाम सारी सरकारों के बहुत प्रोएक्टिव एक्शन की वजह से तो अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आपको लॉकडाउन बढ़ाना पड़ेगा। पैनिक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी, ऐसी स्थिति हो गई है। बिल्कुल संभावना इसकी बनती है, संभावना इसलिए बनती है कि जहां हम 7 पर थे आज 30 के पार उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य पहुंच गया है, तो जाहिर तौर पर है एक कठोर निर्णय इसके बारे में लेना पड़ेगा। अपील है, उस पर आप विचार कर रहे हैं, मंथन जारी है, जितनी प्रोग्रेस इसके अंदर की है। मैं आऊंगा आपके पास। अशरफ साहब लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसपा के प्रवक्ता हैं। अशरफ साहब, लंदन के हालात को बताइए, वहां पर किस तरीके से लॉकडाउन किया गया, वहां पर किस तरीके से प्लान था, किस तरीके से मैनेज किया गया, और क्या लगता है आपको भारत में क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा मशवरा तो यही होगा भारत सरकार को कि चूंकि हमारे पास जो सबसे आखिरी रास्ता था लॉकडाउन का, वो उसका फैसला हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया जी। चूंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास था नहीं। आप अगर गौर करें तो अभी टेस्ट के मामले में हम सबसे पीछे हैं,
जिस टाइम तक ही तबलीगी जमात का मसला नहीं आया था, मेरे ख्याल से 25,000 टेस्ट हुए थे, हमारे पास 1,000 के आसपास पॉजिटिव थे। अभी मैक्सिमम नंबर्स जो है चूंकि टेस्ट हुए हैं, उसके बाद करीब 35,000 1700 केसेस ऐसे हुए जिसमें कि आपको तबलीगी जमात के लोग हैं, बाकी अदर्स लोग हैं। आज का स्टेटमेंट बता देता हूं, आज का स्टेटमेंट है, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव कह रहे हैं अशरफ साहब कि 36% संख्या है तबलीगी जमात वालों की जिन्होंने इस संख्या को बढ़ाया है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए हम इसको मान लेते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ ये देखिए कि अगर हमने सिर्फ 60,000 टेस्ट किए हैं जिसमें तबलीगी जमात के अच्छे खासे लोगों को हमने टेस्ट करके ये फाइंड आउट किया कि कहाँ कहाँ है उनकी चेन, कहाँ कहाँ है, हो सकता है आगे भी कुछ और निकल के आए, लेकिन हमें अपने नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे तभी जाके ये फिगर सामने आएगी। बात है, टेस्ट बढ़ाने होंगे, इस पर मैं कपिल अग्रवाल डॉक्टर है उनसे भी बात करूंगा। अशरफ साहब सिर्फ मुझे बता दीजिए, आप लंदन में हैं, वहां पर क्या प्लान अपनाया गया, क्या भारत उसी प्लान को अपना सकता है, क्या स्ट्रेटेजी रही वहां पर, उसको अगर आप बता पाए। लंदन बताता हूँ आपको, लंदन में इन्होंने ये किया कि जो इनको माइल्ड असर है या इनको सिम्टम्स नजर आते हैं उनका काम है पहले यहाँ पे एक नंबर पे टेलीफोन करना और फोन करने के बाद अपनी स्थिति को बताना, तो वहां से उनको एडवाइस मिलती है कि आप घर पे ही आइसोलेट रहिए और क्वारंटाइन में रहिए। अगर आपके सिम्टम्स 14 दिन के अंदर बिगड़ते हैं फिर आप आइए हॉस्पिटल में और आपको एडमिट किया जाएगा, आप कॉल करें एम्बुलेंस आके ले जाएगी आपको। तो इसी वजह से आप देखें तो नंबर ऑफ टेस्ट यूके के अंदर जो पेशेंट मिले हैं वो लगभग 51,000 है और टेस्ट करीब 2,00,000 से ज्यादा इन्होंने किया, लेकिन वो 51,000 जो है वो ज्यादातर वो हैं जो सीरियस हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे 500, 600, 700 मौतें। मतलब हमको टेस्टों की संख्या बढ़ानी होगी, लैब्स को बढ़ाना होगा, इस दिशा में योगी आदित्यनाथ की सरकार भी काम कर रही है और योगी आदित्यनाथ ने अभी इस पे अभी कुछ देर पहले जब वीसी कर रहे थे इस बात को कहा भी था। अशरफ साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, डॉक्टर कपिल अग्रवाल आप शुरुआत से पूरी तस्वीर को देख रहे हैं कि स्थितियां किस तरीके थी, शुरुआत में आंकड़ा कब था, बढ़ बढ़ के अब ये 4,000 के पार हो गया है। सवाल यहां पर ये जो 4,000 के पार आंकड़ा हुआ है, अब इसके बाद हमें किस तरह से फोकस करना चाहिए, क्या लॉकडाउन और बढ़ाया जाना चाहिए, सरकार ये कदम उठाने जा रही है आपको लगता है? देखिए ऐसा है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ये एक लंबी लड़ाई है और हमें इसे मिलकर के लड़ना पड़ेगा जी। तो हमें अपनी सबसे बड़ी बात यह कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझेंगे और ये बात अगर हम दिल में नहीं बिठाएंगे कि ऐसी बीमारी है जो किसी की वजह से किसी को भी हो सकती है, तब तक हम इस बीमारी से उभर कर सामने नहीं आ पाएंगे। मेरे ख्याल से जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं कि सरकार तो क्या मानते हैं आप, 14 अप्रैल तक ये लॉकडाउन है, इसके बाद कितना ये लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, कितना और लॉकडाउन होगा कि ये चेन टूट जाए, क्योंकि शुरुआत में जब 21 दिन का लॉकडाउन था तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम इस चेन को तोड़ना चाहते हैं जिसके लिए 21 दिन का लॉकडाउन चाहिए, अभी कितना और वक्त चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से लॉकडाउन काफी अच्छा काम कर रहा था और हम लोगों ने बीमारी को काफी हद तक कंटेन भी कर दिया था, लेकिन बीच में ये जो तबलीगी जमात का इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो जब तक कि हम केसेस को दोबारा से कंट्रोल नहीं कर लेते हैं और जब तक कि नंबर ऑफ केसेस को हम लोग कम नहीं होने शुरू हो जाते हैं, मेरे ख्याल से हमको लॉकडाउन को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये बीमारी महामारी का रूप ना लेकर के देश में आ जाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ एसएम अशरफ साहब हैं लंदन से जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प था, क्या इस बात को आप मानते हैं कि लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प था या कोई और भी विकल्प हो सकता था? देखिए मेरे ख्याल से जो है सोशल डिस्टेंसिंग सरकार हमेशा शुरू से बोलती आ रही है, डॉक्टर भी बोलते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस बीमारी को काबू में करने के लिए, और मेरे ख्याल से लॉकडाउन जो है बिल्कुल सही बात है कि आखिरी विकल्प था, और जब तक हम लोग ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग जो है इस बीमारी से उभर कर नहीं आ पाएंगे। बड़ी बात, मैं आ रहा हूँ आपके पास मुन्ना सिंह चौहान, मैं समूचे देश की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम लैब्स की संख्या बढ़ा रहे हैं और जो स्वास्थ्य विभाग को जो जरूरी संसाधन चाहिए उनको हम मुहैया करा रहे हैं, क्या ये सारी चीजों पर फोकस अब हो रहा है तो आने वाले वक्त में आंकड़ा अब कम होता नजर आएगा आपको लगता है? नहीं, निश्चित रूप से हम केवल आशावान नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंट है, ना केवल उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा विशाल राज्य, उत्तराखंड में भी जो टेस्ट फैसिलिटीज है उसका जबरदस्त एक्सपेंशन किया है और पूरे देश में भी टेस्ट फैसिलिटीज को जबरदस्त बढ़ाने का काम सरकार कर रही है, लेकिन हमें इस बात को समझना है जैसा सबके व्यूज जिस प्रकार के आप जान भी रहे और हम जानते भी हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग एक मूल मंत्र है और यदि भारत अभी तक हम इसको स्टेज टू में ही अरेस्ट करने में सफल हुए और कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हमें इसे जाने से रोक पाए, अभी तक मतलब हम रोके हुए हैं, अब तक जो लॉकडाउन रहा है वो सफल रहा है, उसके पॉजिटिव रिजल्ट सरकार को मिले हैं, ये बात मुन्ना सिंह चौहान आप मानते हैं? यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
सफलता का बड़ा कारण अभी तक लॉकडाउन रहा है और निश्चित रूप से भारत की जो क्षमताएं इमरजेंसी में काम करने का, इमरजेंसी को हैंडल करने का, उसमें भी भारत ने अपने आप को असाधारण रूप से साबित किया। चाहे वो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, आपने देखा होगा असाधारण तरीके से मेहनत करके हमारे कोरोना वॉरियर्स ने, जिसमें मैं तो मीडिया के लोगों को भी कहता हूं, अगर लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो चुनौतियां भी सामने खड़ी देखती है हमको। प्रधानमंत्री जी ने बार बार के सामने देश में दिक्कतें भी हैं के अंदर हुआ है। मुन्ना सिंह चौहान में आता हूं, अशरफ साहब के पास सवाल है, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ है। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या रिएक्शन आप देंगे? लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो रही है, राज्यों ने अपील की है, राजस्थान की सरकार ने अपील की, आप क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि मानव संपदा से बड़ी कोई संपदा नहीं है जी, और मानव संपदा को बचाने के लिए, मानव संपदा को संरक्षित करने के लिए सरकार को जो भी निर्णय हो वो सारे करने चाहिए। उन सारे निर्णयों का क्या लगता है आपको, आज की जो परिस्थिति है, जो हालात बने हैं, इन पर सरकार को लॉकडाउन कितने दिन के लिए बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये तो एक जो ग्रुप है, एक्सपर्ट्स लोग हैं, मैं नरेंद्र मोदी तो हूं नहीं जो सारे निर्णय स्वयं ले लूं। अनुपम भाई, यहाँ पर तो जो माहिर लोग हैं वो लोग इसका निर्णय लेंगे तो उचित होगा। जो टास्क फोर्स बनी हुई है कोविड से और कोरोना से निपटने के लिए, उस टास्क फोर्स पे हमसे ज्यादा माहिर और आपसे ज्यादा माहिर लोग। चलिए, ये बात आप नहीं बता रहे, आप ये बता दीजिए, अब अगर लॉकडाउन बढ़ाने का सरकार आदेश देती है, फैसला लेती है, तो क्या सरकार के सामने कुछ चुनौतियां होंगी, चैलेंजेस होंगे? निश्चित तौर पर सर, बहुत से चैलेंजेस हैं सरकार के सामने। सरकार के सामने प्रमुख चैलेंज इस समय फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था का है, और जो जिस तरीके से 23 लाख लोग सड़क पर हैं, लगभग 37% की माइग्रेंट आबादी मजदूरों की है, दिहाड़ी के मजदूर हैं, उनको कहने को तो आप कह रहे हैं कि आपने जनधन खातों में कुछ पैसा दिया है, लेकिन 500 रुपए कितने होते हैं? ये सारे मुद्दे हैं जो सरकार के सामने चुनौतियां लाएंगे। सुरेंद्र जी, मैं आऊंगा। एसएम अशरफ साहब, अब सरकार के सामने प्लान क्या होना चाहिए, आप क्या मानते हैं? आप लंदन की तस्वीर देख रहे हैं, वहां का लॉकडाउन देख रहे हैं, वहां के लोगों के रिएक्शन देख रहे हैं, क्या प्लान सरकार का भारत में होना चाहिए? दो ही तरीका है लॉकडाउन अगर बढ़ाना जरूरत है, क्योंकि हमारे पीएम को ज्यादा अंदाजा होगा और उनके पास फीडबैक तमाम स्टेट से होगी, अगर बढ़ाना जरूरत है तो आप बढ़ाइए, लेकिन मेरा बार बार कहना है कि नंबर ऑफ टेस्ट अगर आप इंक्रीज नहीं करेंगे तो एक चादर आप ऐसी दिखलाना चाहते हैं कि साहब हमारे यहां सब ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 15 मार्च को यूएस के अंदर कुल 5,000 केस थे, आज हालत यह है जब से उन्होंने टेस्ट इंक्रीज किया है 20,000 से 25,000 डेली जो है कोरोना पॉजिटिव वहां मिल रहे हैं, लाखों टेस्ट हो रहे हैं। तो सवाल एक ऐसा मुल्क, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है, अगर तो आपका मानना ये है कि टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं भारत में, इस वजह से संख्या और नहीं बढ़ पा रही है, और भी संख्या है भारत में, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा। अभी आपका फोकस सिर्फ एक जमात के ऊपर है, बड़ी अच्छी बात है। मुन्ना सिंह चौहान, लगता है आपको ऐसी बात है जो अशरफ साहब कह रहे हैं, वाकई में आंकड़ा और बढ़ने वाला है क्योंकि टेस्ट नहीं हो पा रहा है, यही वजह है? देखिए अशरफ जो किसको किसको है, हमें आपको क्या मालूम है किसको किसको है। मैं आग्रह कर रहा हूं कि कोई, मैं अशरफ साहब से कह रहा हूं, बिल्कुल बायस की कोई बात नहीं है। बहुत तेजी से जो टेस्ट फैसिलिटीज है उसका एक्सपेंशन किया गया है, और मेरे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी है जो सब कुछ है, भैया देश के प्रधानमंत्री है तो देश के प्रधानमंत्री पे एक्सपर्ट एडवाइज भी तो सब जगह की होगी, तमाम प्रकार का फीडबैक उनके पास है, और ये अपने आप में तय है कि शायद दुनिया के अंदर ये मिसाल है कि मजदूरों के खाते में पैसा पहुंचने से बता रहे हैं कि तमाम लैब्स की स्थापना हो रही है, लोगों के टेस्ट भी हो रहे हैं, तो इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं? और जो तमाम सारी चीजें, और इतना ही नहीं, जिन बातों की राजपूत जी बात कर रहे हैं सुरेंद्र जी, जो माइग्रेटरी लेबर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं इतना फूल प्रूफ इंतजाम किया गया है कि लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाने से लेकर के पकावा खाना देने से लेकर के इतने विशाल देश में मुझे आवाज मिल रही है, और मैं ये कह रहा हूं कि ईश्वर की एक खास अनुकंपा हमारे साथ है, ऊपर वाले की एक खास मेहरबानी हमारे साथ है, हमें खुशफहमी में पड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि दुनिया के तमाम ऐसे लोग, ट्रंप भी इसका मजाक उड़ा रहे थे 15 मार्च तक, नहीं है आज हालत क्या है, आप बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था, डिबेट को डिरेल मत करिए, कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था, ध्यान रहिए, याद रखिए, जितनी पूरी यूरोप की आबादी है उससे दुगुनी अकेले भारत की आबादी है, किस तरह की बातें आप कर रहे हैं, कौन मजाक उड़ा रहा था, मैं बता रहा हूँ, जितनी यूरोप की कुल आबादी है उससे दुगुनी भारत की अकेली आबादी है,
और ये भारत कहां की ये सरकार की स्ट्रेटेजी का नतीजा देखिए, राष्ट्रपति काबिलियत देखिए, ये कुवत और काबिलियत देखिए सरकार के तैयारी पूरी बात सुनिए, क्या इतने तमाम सारी चीजों के बावजूद भी हम उसको संकेत करने में सफल हो रहे हैं भाई साहब? आप कहां की बात कर रहे हैं? आपको एप्रिशिएट करना चाहिए, आप बात को समझिए, आपको एप्रिशिएट करना चाहिए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के आवाम को रेडियर आउट किया, जिस प्रकार से पूरे देश के आवाम को सेंसिटाइज करने का काम किया गया, आपके अंदाज में आपस में नहीं, रुकिए भाई आपस में जिले मत करिए, रुकिए अशरफ शाह, रुकिए मुन्ना सिंह जवान, रुकिए, इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, आपकी लड़ाई से इस तरह से कोई निष्कर्ष नहीं निकलना, सरकार को जो कदम उठाने हैं सरकार उन कदमों को उठा रही है, मोदी सरकार भी उठा रही है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी उठा रही है, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत की सरकार भी उठा रही है। डॉक्टर कपिल अग्रवाल, जो आज की स्थिति है, जितनी लैब्स है, जितनी संसाधन है स्वास्थ्य विभाग के पास, आपको लगता है इन पर और काम करने की जरूरत है? ये चैलेंजेस हैं हमारे सामने अगर हम लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कपिल अग्रवाल रुकिए, भाई मुन्ना सिंह चौहान रुकिए, संवेदनशील भाई मुन्ना सिंह चौहान रुकिए, आप प्रधानमंत्री जी के डॉक्टर कपिल अग्रवाल बोलिए, बात को सुन भी नहीं रहे, कौन क्या बोल रहा है सुन भी नहीं रहे, ये आएंगे तब हम नंबर ट्रंप की बात कर रहा हूँ, कुछ और बोल रहा है, नहीं कर पाएंगे तो हमारे को अपने लैब्स की जो हमारी जो लैब्स की जो कैपेबिलिटी है उसको हमको डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा। और इंडिया बाकी कंट्री से, चाइना से भी जो है किट्स वगैरह इम्पोर्ट भी कर रही है, और इनफैक्ट इंडियन कंपनीज ने भी किट्स को बनाना शुरू कर दिया है। जैसे आज भी अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम दिल्ली के अंदर ही सिर्फ ढाई लाख के आसपास किट्स आ रही हैं 8 अप्रैल तक। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ किट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी तो टेस्टिंग की कैपेसिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी और हम लोग ज़्यादा केसेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए ऐसा है कि इंडिया जो है ये डेवलपिंग इकोनॉमी है और हम लोग इसको यूके की इकोनॉमी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इंडिया की अपनी कुछ कुछ स्ट्रगल्स हैं, कुछ कुछ अपने उनके जो है क्या कहना चाहिए कि मजबूरियां हैं, जिसे हम लोगों को धीरे धीरे करके उन हालातों से निकलना पड़ेगा, उन चीजों पर फोकस करना होगा। अशरफ साहब पहले भी आप बता चुके हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा डिटेल में आप बताइए, आप क्योंकि लंदन में हैं, वहां जो प्लान अपनाया गया, वहां जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, वहां के अगर हम स्थितियों को देखें तो किस तरीके से आप भारत में एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे, क्या कहेंगे आप वहां पर, क्या सरकार का प्लान ऑफ एक्शन था? सरकार का प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल ठीक था, मैंने शुरू में अप्रिशिएट किया कि जो हमारे प्रधानमंत्री के पास आखिरी चारा था वो उन्होंने इस्तेमाल किया। अब सवाल यह है कि लॉकडाउन का पालन लोग ज्यादा से ज्यादा करें, डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, 15 रोज हो गया मैं घर से बाहर नहीं निकला और जिस फैमिली के मैं साथ हूं यहां लोग अशरफ साहब बताइए, हमारे देश की जनता सुनना चाह रही है, किस तरह से पहले कितने दिन के लॉकडाउन लगा, फिर कितने दिन के लिए लॉकडाउन लगा? हाँ यहाँ नहीं, अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, 23 तारीख को लॉकडाउन यहाँ लगा है, 23 तारीख से कंटिन्यू लॉकडाउन चल रहा है और पुलिस को एम्पावर्ड किया है कि अगर कोई भी इसको ब्रेक करे, 2 लोग से ज्यादा अगर निकल नहीं सकते सड़क पे, अगर वो निकलेंगे तो उनसे पूछा जाएगा आप क्यों निकले हुए हैं, तो कंप्लीटली पालन करा रहे हैं। और बुजुर्गों को और बच्चों को इन्होंने बहुत पहले अंदर कर दिया था, जिनको पता था कि सबसे ज्यादा इसका असर जो इसका नेगेटिव असर है वो बुजुर्गों पे पड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार ने जो हमारी किया बिल्कुल ठीक फैसला है और हालात को देखते हुए उनको आगे फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, 21 दिनों के लिए भारत में लॉकडाउन लगाया गया था, 14 तारीख को ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सरकार को कितने दिन के लिए भारत में, वहां की स्थितियों को आप देख रहे हैं, यहां पर भारत की स्थितियों को आपको जान पड़ रही है, कितने दिन के लिए यहां पर लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका असर हो सकता है आगे 3-4 महीने तक रहे, तो कब तक ये रहेगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोशिश ज्यादा से ज्यादा हो कि हम टेस्ट करके ऐसे लोगों को किनारे कर सकें और लोग इस बात का खुद ध्यान रखें कि हमको डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। अगर अपनी फैमिली लेवल पे आप इसको करेंगे तभी जाके कामयाबी हो पाएगी, सरकार तो फैसला करेगी लेकिन जबरदस्ती नहीं करा पाएगी किसी से। तो हमें इसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। अब सरकार को अगर लॉकडाउन बढ़ाती है तो किन चीजों पर ध्यान देना होगा, क्या चैलेंजेस होंगे जो वहां पर आप चैलेंजेस देखे सरकार के सामने? भाई दो चीजें, आप स्टेज 3 का इंतजार मत करिए, वो तो जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले की मेहरबानी, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कराना चाह रहे हैं टेस्ट उनको मोटिवेट करिए और करके कम से कम ये क्लियरफाई हो जाए कि हाँ साहब इनको है और इनको नहीं है, क्योंकि अभी नहीं हो पा रहा जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। ऐसा नहीं, मैं भी कनेक्टेड हूँ वहां से, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी थी, हमारे मुल्क में इतना इंतजाम नहीं था। अब आपने ICMR के जरिए कुछ लोगों को ऑथराइज किया है, बिल्कुल बिल्कुल अशरफ साहब, आप खुद 15 दिन से अपने घर में वहां पर कैद है लंदन में, आपकी फीलिंग क्या है, आप किस तरह से वहां पर लोगों से बात नहीं कर पा रहे होंगे, जाहिर आपके घरों में भी दिक्कतें काफी होंगी, जरा उसको शेयर कर पाए तो करिए। बिल्कुल बिल्कुल,
मैं उसको यही शेयर कर रहा हूं, यहां जितनी भी फैमिलीज हैं खुद सरकार की एक अपील को पूरे तरीके से लोग यहां पालन कर रहे हैं, उस डिस्टेंसिंग को मेंटेन किए हैं, लोग यहां पांच पांच छह छह घंटे बाद होम डिलीवरी उनको मिल रही है, लेकिन वो अवॉइड कर रहे हैं बाजार में जाते हुए, जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनको भी अवॉइड कर रहे हैं कि घर पे ही मिल जाए, वो पूरा उसका पालन कर रहे हैं। और जनता जब तक पालन नहीं करेगी तब तक हम इससे मुक्ति नहीं पा पाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरा सहयोग करें और कोशिश करें कि लोगों को भी मोटिवेट करें कि यही इसका आखिरी हल है। आपको लग रहा है जिस तरीके से अशरफ साहब चीजों को बता रहे हैं, सरकार को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप लॉकडाउन आगे बढ़ाते हैं, राज्यों की अपील पर कोई कदम आगे लेते हैं, तो इन सारे चैलेंजेस को, इन सारी चुनौतियों के साथ साथ ये जो तबलीगी जमात वालों ने संख्या बढ़ा दी 36% संख्या आगे लेकर के आ गए, ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आने वाले वक्त में होंगे। जी अशरफ साहब ने बहुत शानदार बातें इस अपने बात में कहा जी। ये तो अपने आप में दुनिया में इस्टेब्लिश फैक्ट है आज की तारीख में कि कोरोना के अगेंस्ट सोशल डिस्टेंसिंग एक रामबाण है, लेकिन उसके अलावा जनसाधारण को और हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है लेटर एंड स्पिरिट में करना पड़ेगा। और जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन को हम लोग ये समझें कि कोई किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे कहा है कि हमारी ड्यूटी है, ये किसी का डिस्क्रिशन नहीं हो सकता, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने, कल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अब कारण कोई भी हो, चलिए बहुत ज्यादा ही अब चूंकि अपने आप में बात निकल करके आई कि एक बड़ा कारण और तबलीगी जमात का जो एपिसोड हुआ वो बना, लेकिन केवल तबलीगी जमात ही कारण नहीं है, ये भी अपने आप में सच है। तो बाकायदा जिस प्रकार से टेस्टिंग संख्या आती है, आईसीएमआर ने बहुत तेजी से किया है, भारत सरकार ने वॉर फुटिंग पर तैयारी की है, 35-36% लोग अगर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं उसको आप क्या छोटी संख्या मानेंगे? नहीं नहीं, कोई छोटी नहीं मान रहा है, छोटी हम एक को भी नहीं मानेंगे, हम दो को भी छोटी नहीं मानेंगे, लेकिन मैंने कहा कि जब आप चीजों को अलग अलग सेक्शंस में उसको इवेल्युएट करते हैं, तो मैंने कहा कि जैसे एक छोटे से राज्य से मैं आता हूं, यहां केवल और केवल जो मल्टीप्लाई हुए तबलीगी जमात के केसेस थे, अदरवाइज हम जीरो केसेस की तरफ जा रहे थे। जितने भी 7 केसेस टोटल आइडेंटिफाई हुए थे उसमें से भी 4 ठीक होकर के घर चले गए थे, इसलिए हमने इस बात को कहा। समझाने की कोशिश करिए, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पर सोच रहे होंगे कि आखिर इन सब चीजों को लेकर के क्या अगर हमें कोई कदम उठाना है, इस चेन को तोड़ना है, क्योंकि जिस तरह से केसेस की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में चेन कैसे टूटेगी, कैसे हम इस पर रोक लगाएंगे, क्या सही फैसला हो सकता है? ये अगर हमको चेन को तोड़ना है तो सबसे पहले हमको सोशल डिस्टेंसिंग ही मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर हम लोग अपनी इस रिस्पांसिबिलिटी को समझें अच्छी तरह से, बावजूद भी भारत में हम अभी सोशल, चौहान साहब एक बार बोल ले दीजिए डॉक्टर कपिल अग्रवाल को, बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए, ये भी अपने आप में बड़ी। तो जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा बीमारी को कंट्रोल करना। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो केसेस आज के हम कितनी बार न्यूज में सुन रहे हैं कि लोग छुप कर बैठे हुए हैं, बता नहीं रहे कि उनका सिम्टम्स भी आ रहे हैं, लोग क्वारंटीन से भाग रहे हैं, हमको इन तरह की घटनाओं को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और हमको ये मानना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को मानना चाहिए कि अगर हमारे को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं या हमारे हमारे आसपास के लोगों में कोई इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो हम अशरफ साहब प्रशासन। आखिरी बात अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरी चर्चा के केंद्र बिंदु में, तो आपको क्या लग रहा है कि अब सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए लॉकडाउन को लेकर के सरकार के सामने? देखिए अभी चूंकि एक कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं, अगर कुछ पीरियड के लिए लॉकडाउन सरकार बढ़ाती है तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए हर्ज नहीं है कि इसकी एक साइकिल थी जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने आपको बताया। तो हो सकता है कि कुछ लोगों में इसका असर रहा हो, खत्म भी हो चुका हो, कुछ नए लोग हो, तो अगर बेहतर यह होगा कि अगर एक आध हफ्ते की बढ़ जाती है तो मैं समझता हूँ कोई इसमें बुराई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक साहब आपका, डॉक्टर कपिल अग्रवाल आपका और साथ के साथ मुन्ना सिंह चौहान आपका। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, डॉक्टर से हमने जानने की कोशिश की लंदन में जो लोग रह रहे हैं वहां पर किस तरीके से लॉकडाउन का प्लान अपनाया गया, वहां पर किस तरह की चीजें हुई उनको हमने जाना, तो यहां पर अब सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना होगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।